नमस्कार, आपका स्वागत है जीएस वर्ल्ड के डेली करंट एक्सप्रेस में। हमारी आज की चर्चा का विषय है राष्ट्रीय सहकारिता नीति के लिए राष्ट्रीय समिति के गठन की घोषणा। आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। भारत सरकार के केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय सहकारिता नीति के दस्तावेज का प्रारूप तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय समिति के गठन की घोषणा की गई है। चूंकि सहकारिता को भारत जैसे कृषि प्रधान देश में आर्थिक समृद्धि का आधार माना गया है, इसलिए सहकार से समृद्धि के मूल मंत्र के साथ ही केंद्र सरकार ने देश में एक नया सहकारिता मंत्रालय हाल के समय में खोला था। अब इस बात की जरूरत महसूस की गई है कि देश की राष्ट्रीय सहकारिता नीति बने, जिससे देश भर में सहकारी समितियों, संस्थाओं, सहकारी बैंकों के विकास का मॉडल तैयार हो सके। राष्ट्रीय सहकारिता नीति दस्तावेज का प्रारूप तैयार करने के लिए जिस राष्ट्रीय समिति के गठन की घोषणा की गई है, उसके अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु हैं। इस समिति में देश के सभी हिस्सों से 47 सदस्यों को शामिल किया गया है। समिति में सहकारी क्षेत्र के विशेषज्ञ, राष्ट्रीय, राज्य, जिला व प्राथमिक सहकारी समितियों के प्रतिनिधि, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के सचिव और सहकारी समितियों के पंजीयक तथा केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों के अधिकारी शामिल हैं। गौरतलब है कि वर्तमान में भारत में लगभग 8.5 लाख सहकारी समितियां हैं, जो करीब 29 करोड़ सदस्यों के साथ पूरे देश भर में फैली हैं। ये सहकारी समितियां कृषि प्रसंस्करण, डेयरी, मत्स्य पालन, आवासन, बुनाई, ऋण और विपणन समेत विविध कार्यकलापों में सक्रिय है। नई प्रस्तावित राष्ट्रीय सहकारी नीति के जरिए देश में सहकारी आंदोलन को सशक्त बनाना और जमीनी स्तर पर इसकी पहुंच को मजबूत करना प्रमुख उद्देश्य है। गौरतलब है कि इससे पहले भारतीय संसद ने दिसंबर 2011 में देश में सहकारी समितियों के प्रभावी प्रबंधन से संबंधित 97वां संविधान संशोधन पारित किया था, जो 15 फरवरी 2012 से लागू हुआ था। संविधान में परिवर्तन के तहत सहकारिता को संरक्षण देने के लिए अनुच्छेद 19(1)(c) में संशोधन किया गया और उनसे संबंधित अनुच्छेद 43(b) और भाग 9(b) को सम्मिलित किया गया था। आइए अब देखते हैं इस खबर से जुड़ा एक प्रश्न, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, प्रस्तावित राष्ट्रीय सहकारी नीति के लिए घोषित राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु हैं। कथन दो, भारतीय संसद ने दिसंबर 2011 में देश में सहकारी समितियों के प्रभावी प्रबंधन से संबंधित 97वां संविधान संशोधन पारित किया था, जो 15 फरवरी 2012 से लागू हुआ था। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? इसके चार विकल्प हैं, ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या डी ना तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। इसी तरह की महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए जीएस वर्ल्ड।